ऑफ पेंटिंग की बात करेंगे तो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत होती क्या राजस्थान, अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान कहाँ पड़ता है हमारा, एक वेस्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वेस्ट में। और किससे बॉर्डर बना रहा है, पाकिस्तान से। क्या कर रहा है, ये बॉर्डर बना रहा है। ये क्या है, सबसे बड़ा स्टेट भी है हमारे यूपी का। और जो ये राजस्थानी आर्ट की बात कर रहा है, तो जी स्टार्ट अगर करेंगे कि इम्पैक्ट कब से कब तक रहता है इसका, तो सेंचुरी की बात करेंगे 16 से लेकर 19 सेंचुरी तक का पूरा यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इतिहास मिलता है। जो पेंटिंग की शुरुआत होती कह सकते हैं, पेंटिंग यहाँ से अस्तित्व में भी आती है, देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं था, इसके पहले भी क्या है, पेंटिंग हमारे भारत में चल रहे थे, पेंटिंग यहीं से स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं है पेंटिंग हमारे भारत में क्या थी, स्टार्टिंग से पहले से भी चल रही थी। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ से क्या था, इसने एक अपना एक फॉर्म ले लिया अच्छी तरह से। तो हम किसकी बात करेंगे, मेनली हम बात करेंगे राजस्थान पेंटिंग की, यहाँ पर हमें बात करनी है। हमारे यूनिट में भी और भी कई सारे स्कूल्स ऑफ द पेंटिंग है, लेकिन हमें बात किसकी करनी है, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करनी है यहाँ पे। तो राजस्थान क्या है, भारत का एक वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, कई सारे स्टेट हैं, और उस समय कह सकते हैं यहाँ पर जो रूल कर रहा है भारत में, तो यहाँ पर कौन रूल कर रहा है। अभी देखो कि यहाँ पर 16 सेंचुरी की बात करेंगे, तो 1526 में कौन आ जाता है, बाबर अटैक कर चुका होता है भारत पर। कौन अटैक कर चुका होता है, बाबर अटैक कर चुका होता है। और बाबर कौन सा था, मुगल था। भारत कौन, यानी कि बाबर कौन सा रूलर था, मुगल था। यानी कि मुगल डायनेस्टी की स्थापना किसने कर दी, बाबर ने कर दी। तो देखिए यहाँ पर बाबर ने जब मुगल की डायनेस्टी की स्थापना कर दी, तो कौन सी डायनेस्टी है, 16 सेंचुरी की बात कर, देखो कौन सी, अभी 16, ये कौन सी 19, तो मिड 16 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिड 16 कह सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, मिड 19 कह सकते हैं। तो यहाँ से इसकी रियल कहा जाएगा, क्योंकि बाबर ने अटैक कब किया, इस समय 16 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इस समय करता है अटैक भारत। तो यहाँ से क्या होगा, मुगल आ गए भारत में, तो इनका इम्पैक्ट, और मुगल और जो मराठा थे भारत में, जो राजपूत वगैरह थे, तो यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्योंकि मुगल कहाँ, सब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, तो ये राजस्थान क्या पड़ता, पास नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या था, कह सकते हैं मुगल्स और जो राजस्थान, मराठाओं को तो छोड़ो छोड़ दो, अभी हम बात किसी कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में क्या, पृथ्वीराज चौहान वगैरह ये तो सब पहले की निकल गए थे, लेकिन क्या था, यहाँ पर कह सकते हैं ये हमेशा लैंड ऑफ किंग्स कह सकते हैं। राजस्थान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ किंग्स, पैलेसेस, क्या बोल सकते हैं, पैलेसेस एंड फॉक्स, यानी डांस वगैरह। इतने ज़्यादा फेमस है राजस्थान में, आज भी कहते हैं पैलेस देखना है, महल देखने, बड़े बड़े, तो कहाँ, राजस्थान में। बड़े बड़े राजा भी कहाँ हुए, राजस्थान में। तो कह सकते हैं मुगल और जो यहाँ पे हमारे कौन हो गए, मारा ये राजपूत हो गए, इनकी वजह से ये दोनों के आपस में कभी नहीं बनी, कह सकते मुगल और राजपूत तो की कभी नहीं बनी, हमेशा लड़ाई चलती रही। तो यहाँ तक भी कहा जाता है जो मेवाड़ था, मेवाड़ में क्या था कि मुगल का ज़्यादा इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। क्योंकि क्या था, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि मुगल, यानी कि मुगलों को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कहाँ पे, मेवाड़ में, ये ऐसे ही छूटा रह गया। यानी कि लेकिन फिर भी क्या, कुछ ना कुछ हमें फीचर्स मिल जाते हैं मुगल के। तो एक इनका, जब मुगल ने अपनी पैर जमा लिए भारत में, और लड़ाई किससे चल रही है, राजस्थान से चल रही है, तो ये कॉमन सी बात है कि इम्पैक्ट किसका पड़ा होगा, मुगल्स का इम्पैक्ट रहा ही होगा राजस्थान में। तो इनसे क्या था, जो आर्ट एंड पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो आर्ट एंड पेंटिंग में भी क्या, किसका इम्पैक्ट रहा होगा राजस्थान में, इसलिए हमें किसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, मुगल का भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, कहाँ, राजस्थानी पेंटिंग में। किसका इम्पैक्ट मिल जाता है, राजस्थानी पेंटिंग में, इनको इनका भी इम्पैक्ट मिल जाता है अच्छी तरह से। और इसको राजस्थान को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ, यानी कि लैंड ऑफ किंग्स बोला जाता है, पैलेसेस बोला जाता है, एंड फॉक्स बोला जाता है, यहाँ पर इस तरह राजस्थान को कहा जाता है। तो हुआ क्या कि इसके पहले 1916 में क्या हुआ, एक कह सकते हैं कि चित्रकार कह सकते हैं या एक पेंटर थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले राजपूत चित्रकला का नाम दिया था। इन्होंने क्या कहा, जो ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी, तो इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, राजपूत चित्रकला का नाम दिया था। उनका नाम क्या था, आनंद कुमार स्वामी, क्या नाम था उनका, आनंद कुमार क्या था, स्वामी था। इन्होंने क्या किया 1916 में क्या दिया, राजस्थानी स्कूल, यानी कि चित्रकला स्कूल ऑफ आर्ट का नाम दिया। क्या कहा उसको, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट का नाम दिया। किसने दिया, आनंद कुमार स्वामी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना, इसमें और भी पढ़ेंगे, सब स्कूल भी अभी हम देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम दिया। और राजस्थान जैसे कह सकते हैं, तो छोटा ये मालवा का प्लेटू वगैरह पढ़ते हैं, मालवा मेवाड़। तो यहाँ पर क्या है, जो एमपी वगैरह एरिया, तो ये भी क्या कह सकते हैं, इसमें इंक्लूड हो जाते थे पहले, थोड़ी थोड़ी बहुत एरिया इस तरह आ जाते थे उधर, ये बाद में बनाया गया।
तो ये सब क्या था, मेवा, मालवा, मेवाड़ वगैरह क्या थे सर, इसी में आते थे उस समय। तो यहाँ पर क्या था, टाइम पीरियड भी हमने देख लिया, कहाँ से कैसे इनका इम्पैक्ट रहा होगा, पेंटिंग अब क्या था इनके बिना ना रही होगी, यानी कि मुगल का इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना था। तो इसी में बात करते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देखेंगे, इसका ओरिजिन कैसे होता है और कैसे डेवलप किया बाद में इसने। फिर हम क्या देखेंगे, कुछ सब स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की देखेंगे, सब स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ये क्या होते थे, मेवाड़ देखेंगे, बूंदी देखेंगे, जोधपुर देखेंगे, बीकानेर देखेंगे, किशनगढ़ देखेंगे एंड जयपुर देखेंगे। ये सब किसके पार्ट है, राजस्थान के ही पार्ट है, लेकिन कहा जाता है मेवाड़ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था इसका। तो एक हम ये देखेंगे। फिर इसके मेन फीचर्स क्या थे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के, यानी कि मेन फीचर्स को देखेंगे, फीचर्स कौन कौन से थे इसके। फिर क्या देखेंगे, अप्रिसिएशन आप देखेंगे फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग के कैसे क्या था। तो यहाँ पर ये सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग है जो हम क्या करेंगे, वन बाई वन देखेंगे इनका, इसने कैसे टाइटल क्या था इनका, पेंटर कौन कौन से रह रहे थे, जैसे मेरु रागनी था तो सहीबुद्दीन हो गए, ये कहाँ के सब स्कूल ऑफ पेंटिंग मेवाड़ के हो गए, पेंटर कौन थे, सहीबुद्दीन थे यहाँ पे, जोधपुर में दाना हो गया, इस तरह क्या थे पेंटर्स हुए अपने अपने, तो इनको देखेंगे अच्छी तरह से। फिर क्या, तो टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो टाइम पीरियड क्या है इसका एनसीईआरटी, तो टाइम पीरियड देखो मैंने बताया था 16 से लेकर 19 तक की मिड लगा सकते हैं, मिड 16 से मिड 19 कह सकते हैं। तो राजस्थानी, राजस्थान कहाँ, द प्लेस ऑफ द कहता है राजा क्या कहता है, किंग्स का, मैंने क्या लैंड ऑफ किंग्स बोला जाता है, और पैलेसेस, तो यहाँ पर प्लेयर पैलेसेस हो गया। स्टेट एंड कहता है नॉन एज, तो कहता है राजस्थान, इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान बोला जाता है, राजस्थान के इन सब नाम से जाना जाता है। राजस्थान आर्ट कहता है रिफाइंड एंड कहता है प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ द आर्ट एंड सेम ट्रेडिशन एंड विच वॉज कहता है डेवलप इन राजस्थान, जो कहाँ डेवलप हुई थी, राजस्थान में डेवलप हुई थी। गुजरात है मेवाड़ का एरिया, जो एमपी का एरिया थोड़ी बहुत पड़ जाता है, न्यू स्कूल ऑफ आर्ट तो इस तरह डेवलप हुई थी। मिक्सचर किस तरह, गुजरात, राजस्थानी, फॉक, ये सब हमने बताया ना, बताया फॉक आर्ट एंड अजंता पेंटिंग, ये महाराष्ट्र में पड़ती, सब आसपास का एरिया ही है। अर्लियर इट कहते फेमस पर कहता है मोरल आर्ट, यानी कि मोरल आर्ट के रूप में इस तरह फेमस था स्टार्टिंग में। आर्ट डेवलप कहते हैं अंडर द राजपूत किंग, यानी कि आर्ट इस यहाँ पर क्या हुई, जो डेवलप हुई आर्ट पूरी कहाँ, अंडर द राजपूत किंग्स के अंडर में सारी आर्ट ये क्या हुई, डेवलप हुई थी। तो कह सकते